नूजले के कस्बा उन्हना में दो पड़ोसियों के झगड़े को सांप्रदायिक रंग देने वाले टीवी चैनल अखबारों के खिलाफ उन्हना के वकीलों में भारी रोष है। वहीं हिंदू विश्व परिषद की जांच कमेटी द्वारा मेवात के लोगों पर गंभीर आरोप लगाने की निंदा की गई। विरोध स्वरूप एक दैनिक अखबार की वकीलों और समाज सेवियों ने प्रतियां जलाई। विश्व हिंदू परिषद की जांच कमेटी की रिपोर्ट को मेवात के वकीलों ने खारिज करते हुए जांच कमेटी के 3 सदस्यों और एक दैनिक अखबार के पत्रकार को मानहानि को लीगल नोटिस भेजने की बात कही। यह लीगल नोटिस पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के वकील तालीम हुसैन की मार्फत भेजा जाएगा। इस आशय की जानकारी खुद तालीम हुसैन ने विरोध प्रदर्शन में पहुंचने के बाद पत्रकारों को दी। वरिष्ठ एडवोकेट तालीम हुसैन और नूह बार के वरिष्ठ वकील हारून खान ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद की जांच कमेटी के बिना मेवात के लोगों से बातचीत और जांच किए ही अपनी रिपोर्ट बनाई है, वह झूठी है और मनगढ़ंत है। इससे मेवात की मानहानि हुई है। मेवात का भाईचारा दुनिया में मिसाल है। उन्होंने कहा कि जो मेवात के 50 गांवों से हिंदुओं से मुक्त होने की बात की गई है वह सरासर गलत है, क्योंकि मेवात ही नहीं अन्य गांवों में संपन्न लोग शहरों में बस गए हैं और शहरों के लोग दिल्ली, गुड़गांव, परदवार जैसे नगरों में बस गए हैं। जो भी मेवात से बाहर गया है वह अपनी रोजी रोटी कमाने की नीयत से गया है, न कि कोई प्रताड़ित होकर। उनका कहना है कि एक दैनिक अखबार के बिना मेवात के लोगों का वर्जन और बिना तथ्यों के खबर छापी, एक टीवी चैनल ने जो गलत खबर चलाई उसके खिलाफ भी मानहानि का नोटिस भेजा जा रहा है। एडवोकेट मुमताज का कहना है कि पुनहाना में दो पड़ोसियों के अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उनके बच्चों के झगड़े को लेकर बड़े भी भिड़ गए थे जिनमें दोनों तरफ से कई घायल हुए, लेकिन इस मामले को कई संगठनों ने धार्मिक मुद्दा बनाकर मेवात को बदनाम करने की साजिश रची जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर हारून खान बिछौर, ताज मोहम्मद, अशरफ ठेके, तालीम नीम का पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, मुश्ताक रायपुर वकील, हारून सिंगार, अरशद पापड़ा, रफीक जहटाना, शाहिद बिशरू मौजूद रहे। असल में हो क्या रहा है, इस देश में अनेकता में एकता देश की पहचान है, पर अनेकता में एकता की आपको मिसाल देखनी है तो आप मेवात में अगर देख सकते हैं, जहाँ सभी संप्रदाय के सभी जातियों को लोग बगैर किसी भेदभाव के इकट्ठा रहते हैं। और मेवात भी ऐसी सरजमीन रही है जहाँ मुगलों के वक्त से आज तक जहाँ हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जात के नाम पर कभी दंगे ही नहीं हुए, कभी फसाद ही नहीं हुए। चाहे ईद का त्यौहार हो चाहे होली का त्यौहार हो, दोनों समुदाय इकट्ठा होकर मनाते हैं। हाल फिलहाल जो मसला खड़ा हुआ है, असल में ये दो इनफरादी शख्सों की लड़ाई है। उनका आपसी एक मामला था जिसको एक मजहबी कलर देकर पूरी मेवात को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और जो अखबार और जो न्यूज़ चैनल्स इस तरह के इस इशू को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कम्युनल कलर दे रहे हैं, उसके विरोध में हम कुछ अधिवक्ता, कुछ हमारे सोशल साथी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। खबर लगाई थी रेवाड़ी से और उस खबर में साफ वाजे तौर पर यह कहा कि यहाँ मेवात के 50 के करीब गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं, बल्कि सच्चाई इसके विपरीत है। आप किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए, यहाँ एक साझी विरासत, साझी संस्कृति का हिंदू विहीन कैसे हुए हैं, या गांव छोड़ के बाहर गए, या अपने शहर जैसे पुनहाना है, पिनंगवा है, ऐसे जगहों में उन्हें कारोबार बढ़ाने के लिए उन्हें काम चालू करा हुआ। असल में तो विहीन हुए ही नहीं है। अगर कुछ लोग हिजरत करके, माइग्रेट करके दूसरे शहर में गए, दूसरे गांव में गए हैं, अपने रोजगार की तलाश में गए हैं, आज भी उनके घर वही हैं, जो भी उनके घर में शादी त्योहार वहीं घर पे ही होते हैं, और एक रोजगार की तलाश में बाहर गए हैं। अब एक रोजगार की तलाश में बंदा बाहर जा रहा, आप उसको कैसे कह सकते हैं कि वो प्रताड़ित होकर बाहर गया है? प्रताड़ना का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, अगर जिस तरह एक छोटे समाज के वर्ग की आपने बात की, वो तो आज भी गाँव में ही रह रहा है। जो एक जो बिजनेस क्लास है वो एक रोजगार की तलाश में बाहर गया और बेहतरीन रोजगार हमने कायम किए हैं, आज भी गांव में आते हैं। और यहाँ हिंदू मुस्लिम नाम पे कोई कभी झगड़ा ही नहीं हुआ। आज भी मेरे अपने गांव में हिंदू मुसलमान का बेहतरीन मिसाल देख सकते हैं। अब हाईकोर्ट के वकील है, इस मामले को क्या हाईकोर्ट में ले जाए? इस मामले में आज हमारे साथी हमारे पास आए हैं, इसमें हम लीगल नोटिस, जो कंसर्न एडिटर हैं उनको हम लीगल नोटिस आज सर्व कर देंगे, और लीगल नोटिस सर्व करने के बाद हम कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल करेंगे,
और उसके बाद जो भी लीगल कार्रवाई बनती है हम जरूर करेंगे, चाहे हम हाई कोर्ट तक जाना पड़े, इस मामले को हम जरूर उठाएंगे। मेवात के बारे में बहुत ही गंदी बेहूदी गंदी बेहूदी बिना तथ्यों पर एक न्यूज साया हुई, जिसको पढ़कर हमें बड़ा शौक लगा, बहुत दुखी हुए और सोचा कि ये किसने कर दिया, क्यों कर दिया, क्यों खराब करना चाहते हैं मेवात के भाईचारे को। तो ये इस अखबार को जब हमने पढ़ा तो हमने अपने पढ़े लिखे लोगों से, वकील साथियों से इस बारे में डिस्कस किया। इस अखबार में जो खबर शाया की गई उसका कोई आधार नहीं। एक खबर शाया हुई थी 12 तारीख को, यहाँ दो पड़ोसियों, एक मुस्लिम परिवार था एक हिंदू परिवार था, उनके बच्चों में आपस में झगड़ा हो गया था, किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया था और उस झगड़े में दोनों पक्षों के चोटें आई। लेकिन कुछ लोग शरारती तत्व ने इस मामले को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की और उस कोशिश के तहत इन लोगों ने बल्लभगढ़ में भी प्रोटेस्ट किया मुसलमानों के खिलाफ कि वहाँ मेवात में हिंदू परिवारों को मारा जा रहा है। अखबारों में भी ये साया कराया, टीवी चैनलों पर भी ये चलाया जो कि झूठा चलाया गया था। और उसी झगड़े के बाबत एक कमेटी घोषित गठित की थी विश्व हिंदू परिषद ने, जिसने अपनी रिपोर्ट हायर अथॉरिटी को दी थी, वो रिपोर्ट इस अखबार में शाया हुई थी दैनिक जागरण में, जो कि गलत थी और बेबुनियाद थी। उस रिपोर्ट के ऊपर और उस न्यूज के ऊपर हम सब लोगों को गुस्सा था क्योंकि इस मौके पर इस पिटके चलाने में हमारे समाज के तथा दोनों समाजों के काफी लोग शामिल हुए, जिसमें मुमताज हुसैन एडवोकेट, तालिब हुसैन एडवोकेट, मुबारक खान जी, असरफ खान। इस मामले को क्या कोर्ट में भी ले जाया जाएगा? बिल्कुल ले जाएंगे जी, कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभी हम इस बारे में आपस में सब मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने गलत रिपोर्ट शाया की है, गलत रिपोर्ट दी है, इसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई 100% करेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट सारी जगह इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इनके खिलाफ उनको लीगल नोटिस भी देंगे, इनके खिलाफ एप्लीकेशन भी देंगे और इनके खिलाफ केस भी। हम आला अधिकारियों से मांग करते हैं कि इस तरीके के लोग जो मेवात के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेवात को हिंदू मुस्लिम के तौर पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, झूठी खबर चला रहे हैं, झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा।